सो है गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट सेट का पोटेशन। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैपकट एप्लीकेशन से इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट वाले वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह का वीडियो दोस्तों एडिट करना बहुत ही ईजी है, आप लोग भी एडिटिंग कर सकते हो वन स्टेप में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देखना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का एडिटिंग रिलेटेड वीडियो दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो इस तरह का वीडियो दोस्तों मैं एडिटिंग करने वाला कैपकट एप्लीकेशन में। ठीक है, अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग को किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, देन उस पर आप लोग को वहाँ पर सर्च कर देना। चलिए मैं सर्च भी करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो किसी भी क्रोम को आप लोग को इस तरह से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है कैपकट डाउनलोड। ठीक है, सो इस तरह से कैपकट डाउनलोड लिख करके सर्च कर देना। उसके बाद आप लोग को फर्स्ट वाला वेबसाइट जैसे कि यहाँ पर देख सकते आ चुकी है, देन आप लोग को दूसरी वाली वेबसाइट आप लोग को ओपन कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ओपन कर लेना जैसे कि आप देख सकते हो। देन आप लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, उस पर आप लोग को यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाला। ठीक है ना, सो आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नहीं तो आप लोग को हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपली आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कैपकट डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग को यहाँ से कट कर देना। ठीक है ना, कट करने के बाद आप लोग को प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है VPN। ठीक है, सो इस तरह से VPN लिख करके सर्च कर देना। आप लोग का सामने बहुत सारा VPN यहाँ पर आ चुका है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, तो आप लोग कोई भी एक VPN को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों पावर VPN को यूज करता हूँ हर वीडियो में, तो मैं यहाँ से पावर VPN को पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, हमारा VPN यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को यहाँ से भी कुछ इस तरह से कट कर देना दोस्तों। ठीक है, कट करने के बाद आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो मैंने ऐसे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। जैसे आप ओपन करते हो तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को यहाँ से आप लॉग इन करना चाहते हो तो लॉग इन भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ से कट कर रहे हैं। ठीक है, कट करने के बाद आप लोग को अगर आपने पहले से कोई भी वीडियो एडिट करके रखा होगा दोस्तों, आपका वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगा नीचे में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो एडिट करके नहीं रखा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को न्यू वीडियो एडिट करने के लिए आप लोग यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक है, सो इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना। उसके बाद आपने जो भी वीडियोस को एडिट करना चाहते हो दोस्तों, उस वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए मैं ये वाली वीडियो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, तो आप लोग जो चाहे उसको यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ऐड कर लेना जैसे कि देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ से ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक स्पीड रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाला। ठीक है ना, तो आप लोग स्पीड रेशियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से 9:16 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर लेना। ठीक है, डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो हमारा जो कि शॉर्ट वीडियो का साइज रहता है दोस्तों, साइज में यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को लास्ट में आ जाना। लास्ट में आप लोग को कैपकट एप्लीकेशन को वाटर मार्क मिलने का ब्लैक कलर में आप लोग को डिलीट कर देना। ठीक है, सो इस तरह से डिलीट कर देना। उसके बाद आप लोग को फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को वीडियो को एक बार मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, पूरी तरीके से हमारा वीडियो जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको मैं आज आप लोग को एडिटिंग करके दिखाने वाला। ठीक है, तो आप लोग को फिर से फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाले। ठीक है ना, सो आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो इस तरह से वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ट्रेंडिंग में रहेगा सिंपली जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, सो आप लोग को ट्रेंडिंग के ऊपर रहने देना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से हेलो ब्लर जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट में आप लोग को मिल जाती है ये वाली। देन आप लोग को जूम ब्लर यहाँ पर मिल जाती है, तो आप लोग चाहे तो किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से जूम ब्लर को ऐड कर लेता हूँ जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से ओके कर लेना। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आपने ब्लर को एडजस्ट भी करना चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक एडजस्ट का मिल जाता है सिंपली वाली। देन आप लोग यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि देख सकते हो, तो इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लेना। देन उसके बाद आप लोग यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों अपने जहाँ तक भी ब्लर रखना चाहते हैं वीडियो में सिंपली वहाँ तक कुछ इस तरह से आप लोग को ब्लर को रख लेना। ठीक है, फिर से आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। देन फिर से आप लोग को वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को इस बार यहाँ पर ये साखे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ये वाले इफेक्ट आप लोग को यूज कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। जैसे कि देख सकते हो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना। ठीक है, डन करने के बाद आपने कुछ इस तरह से अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। देन उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को एक सप्लीट फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाले। ठीक है ना, तो आप लोग को ये वाला फिल्टर यहाँ से यूज कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों हमारा फिल्टर यहाँ से यूज हो चुकी है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना। ठीक है, डन करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना जहाँ तक भी आपने रखना चाहते हैं। ठीक है ना, फिर से आप लोग को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। देन एक बार मैं आप लोग को वीडियो को फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों काफी कमाल की लग रही है वीडियो। ठीक है ना, उसके बाद पर आता है दोस्तों थ्री लेयर के। ठीक है ना, तो थ्री लेयर आप लोग को कैसे लगाना है, थ्री लेयर लगाने के लिए देन आप लोग को फिर से वीडियो इफेक्ट वाला क्लिक करना।
देन उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है ना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो थ्री लेयर का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाला, ठीक है। तो आप लोग को इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करना, जैसे कि देख सकते हो हमारा यहाँ से थ्री लेयर लग चुके हैं, ठीक है ना। थ्री लेयर लगने के बाद दोस्तों जैसे कि देख सकते हो हमारा फेस जो है अच्छा से नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको एडजस्ट करने के लिए देन आप लोग को फिर से उसी के ऊपर और एक बार इस तरह से क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है ना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद जैसे कि देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ से मैच हो चुकी है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोग को फिर से फर्स्ट में प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हो। तो काफी कमाल की वीडियो हमारा बन चुकी है वन स्टेप में, आप लोग को ज्यादा मेहनत भी करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ये थ्री लेयर वाली वीडियो से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पर जाता है कि वो इफेक्ट, यानी कि जिसको बोला जाता है बॉडी इफेक्ट। अगर आपने बॉडी में इफेक्ट लगाना चाहते हो तो बॉडी में इफेक्ट लगाने के लिए देन आप लोग को यहाँ पर एक बॉय इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाले, ठीक है ना। तो आप लोगों को बॉय इफेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा ट्रेंडिंग वाली इफेक्ट मिल जाती है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग जो चाहे उसको यहाँ से यूज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो काफी कमाल की इफेक्ट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को अपने वीडियो के हिसाब से दोस्तों एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सेम ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली ये वाली। देन आप लोग को एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना, आपका वीडियो दोस्तों एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो ट्रेंडिंग वाली इफेक्ट वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो जानकारी कैसे लिए दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और हमारे तारण भाई चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो, फिर से बाय बाय।